नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में गेहूं खरीद के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने जनपद में गेहूं खरीद में खराब प्रगति पाए जाने पर एक आर कॉपरेटिव व डिप्टी RMO को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों से व्यक्तिगत संपर्क कर उनको विश्वास दिलाएं कि गेहूं खरीद के 3 दिन के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बड़े किसानों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर गेहूं खरीद करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के सापेक्ष गेहूं क्रय करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शासन को संस्तुति की जाएगी। डिप्टी RMO द्वारा बताया गया कि खाद्य विभाग द्वारा 26,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 11,857.45 मीट्रिक टन, PCF द्वारा 30,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 12,614.35 मीट्रिक टन, UP एग्रो द्वारा 4,500 मीट्रिक टन के सापेक्ष 705.15 मीट्रिक टन, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 1,459.35 मीट्रिक टन गेहूं खरीद की गई है, जो लक्ष्य के सापेक्ष बहुत ही कम है। जिलाधिकारी ने डिप्टी RMO व PCF के प्रबंधक को निर्देश दिए कि जिन राइस मिलों से CMIR प्राप्त नहीं हुआ है उसे 3 दिन प्राप्त करना सुनिश्चित करें, नहीं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने ऐसे गेहूं क्रय केंद्र के प्रभारियों को निर्देश दिया जहां पर अभी तक 0 गेहूं की खरीद की गई है। ऐसे गेहूं क्रय केंद्र यदि बंद पाए गए तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व गुरुप्रसाद, डिप्टी RMO RP पटेल, संबंधित गेहूं क्रय एजेंसियों के प्रबंधक उपस्थित रहे।